आपको आपने कभी वैलेंटाइन सेलिब्रेट किया है? नहीं किया। मैम आपने कभी सेलिब्रेट किया? तो बेटा यही नहीं पता ये होता क्या है। मूवी में यहाँ पर मेरा बर्थ प्लेस है वो सामने देखो 10 नंबर है, वहाँ हम बहुत आते थे। वहाँ मेरे एक अंकल रहते थे, रात दिन हम लोग आया करते थे। हेलो 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 हेलो, फाइनली मैं दोबारा आ चुका हूँ एफआरआई देहरादून में, क्योंकि एफआरआई मुझे बहुत प्यारा लगता है। फाइनली इस बार अंबुज नहीं है, अंबुज की गर्लफ्रेंड उसे पकड़ के ले गई, और हमारे साथ इस बार है फोटो बोटू वेव फॉल्सदार, जो मेरे लिए बहुत प्यारा सा शूट करते हैं, हर बार करते हैं, हर बार लड़की ले जाते हैं। बस ये बोलता हूँ। और बाकी जब भी मैं शूट करता हूँ ना वेव के साथ, इट वॉज लाइक कि हमेशा यार यही लड़की ले जाता, मैं तो कभी नहीं ले जाता हूँ। देखो आस्किंग अबाउट वेव फॉल्सदार नंबर और कभी निकू के, मैं ये हमेशा सिंगल रहता हूँ। और फाइनली इस बार हमारा टॉपिक है देहरादून ऑन वैलेंटाइंस, जैसे वैलेंटाइंस आने वाला है, आप लोगों की बहुत प्यारी सी वीडियोस आने वाली हैं, देहरादून के विचार आपके सामने लेके आते हैं। आइए चलिए चलते हैं। आप वैलेंटाइन कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं? बात वैलेंटाइन मनाने की नहीं है, बात यह है कि तुम किसी संस्कृति को किस हिसाब से लेते हो। आपने सर कभी मैम को रोज दिया है? नहीं, मैं तो बुरा मान जाऊंगी। अच्छा आप कैसे वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने वाले हैं? घूम तो नहीं होंगे। आप इन्हें डेट कर रहे हैं? देखिए मैं अपने बॉयफ्रेंड को घुटनों पे बैठ के प्रपोज करूंगी। देहरादून में एक लड़की पसंद है। अच्छा, ट्राई कर रहे हैं। हाँ सर, मान नहीं रही क्या? मान रहे हैं, वीडियो देखेंगे तो मान जाएंगी शायद। हाँ मैं भी, मैं ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। लव यू बोल दे। हाँ सर बोल सकते हो। एक्चुअली वो नाम तो डिस्क्लोज। आप में से सिंगल कितने हैं? कैसी लड़की चाहिए आपको? भाई लड़की तो जैसी मिल जाएगी चल जाएगी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा कैसी भी चाहिए? कैसी भी, बस लड़की होनी चाहिए। कैसी लड़की चाहिए आपको? एकदम सिंपल विचार के साथ। पहले कैसी मिली थी? छोड़ के चली गई यार। नाकुन वाकुन मारती थी? नहीं नहीं यार, शादी बढ़ती थी। शादी हो गई यार। शादी हो गई? नहीं लड़की थी भाई, बिल्ली ना थी। पिछले साल दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर में तब तक वो मुझसे बात कर रही थी। हाँ एक लड़का मेरा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड। ओके बेस्ट फ्रेंड है मेरा। ये बेस्ट फ्रेंड ही क्यों लगाते हैं? हाँ, उसने कॉल किया। मतलब आप सिंगल हो? अभी आप भी सिंगल हो? ठीक है, आपको कैसा लड़का चाहिए? सॉरी लड़की चाहिए? मुझे बोला कि लड़की ना आईफोन खरीदने से मिल जाती है, मैंने आईफोन भी ले लिया। अच्छा मैंने भी लिया। मैंने भी लिया, इससे भी नहीं मिल रही। आपको कैसी चाहिए लड़की? आपको लड़की पसंद है? नहीं नहीं भाई, अधिकतर ना 90% लड़कों की जो प्रॉब्लम है ना भाई, ये लोंडिया मिलोगी कैसे? उन्हें बताओ बस, हम वैसे हमारा प्यार ऐसा है। जब आपकी आपकी गर्लफ्रेंड आपके साथ नहीं होती है तब आप दूसरी लड़की चेकआउट करते हैं? नहीं भाई बिल्कुल नहीं। आप सच्ची में? हाँ उसके साथ ही करता हूँ मैं, चेकआउट करते हैं। हाँ। आप क्या बोलते हो उनसे? मैं देखो देखते थे सुतरी रही। समझ सकते हो आप? अच्छा तो फिर कोई नहीं सर, भाभी बहुत पसंद है वैसे। नहीं हाँ बिल्कुल प्यार हुआ है, क्यों नहीं हुआ था? सर कितनी बार हुआ है? पहला पैर हुआ, फिर दूसरी बार भी हुआ, तीसरी बार भी हुआ, चौथी बार भी हुआ। सर मिलेगी आपको भी? मिली हुई है भाई मुझे। हाँ सर के पास है। हाँ। और मेरे पास ऐसी है कि जो 5.5 साल से मुझे खा रही है बहुत अच्छी। मैं देहरादून से हूँ, ये दिल्ली से है। ठीक है दिल्ली से। जैसे टेडी यार विश कर दीजिए। कितने साल हो गए शादी? 20 साल हो गए। सच्ची बात बताऊं? हाँ सब नापनी वाली अच्छी लगे। वो जो नए नए अभी प्यार करने वाले उनके लिए सर कुछ बोलना चाहेंगे आप कि लाइफ कैसे जी जाती है? और जहाँ तक मेरी बात है मैं तो यही कि अपना आराम से हर चीज को एंजॉय करो।